सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आने वाले सेशंस में क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी के साथ। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी का ऑप्शन डेटा है और आज एनएससी के साइट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भी ऑप्शन डेटा जो है वो रॉन्ग शो हो रहा है। एक्चुअल क्लोजिंग है निफ्टी की 10,982 के पास और बैंक निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग आई है 27,818 के पास, बट अभी बज रहे हैं 5 और अभी तक डेटा जो है वो रॉन्ग ही शो हो रहा है। मैं पिछले बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, डेटा देख रही हूँ कि शो हो रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो आज जो है वो हम लोग ऑप्शन डेटा नहीं देखेंगे क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन डेटा मुझे आपको नहीं बताना है, क्योंकि वो आपके ऊपर अच्छा नहीं असर करेगा। क्योंकि अगर आपने वो रॉन्ग ऑप्शन डेटा से सीख लिया तो फिर आपको कुछ समझेगा नहीं। तो इसलिए मैं आज ऑप्शन डेटा जो है वो स्किप करने वाली हूँ, ऐसे ही जस्ट नजर डालते हैं सिर्फ हम लोग। लेकिन ये ऑप्शन डेटा रॉन्ग है और आज जो है वो गणपति जी का विसर्जन है, तो बहुत सारे आज गणपति जाने वाले हैं। हमारे आजू बाजू के ही 10-15 गणपति हैं, तो उसका जो साउंड होगा वो आज आएगा। इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि जल्द से जल्द जो है मैं आज वीडियो बना दूं ताकि फिर बाद में कुछ तकलीफ ना हो। अगर मैं भी कहीं बाहर चली गई तो फिर मेरे को भी फिर वीडियो अपलोड नहीं करने मिलेगा। लेकिन आज ही ऑप्शन डेटा जो है एनएससी के साइट पे रॉन्ग शो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन चलिए अभी चार्ट एनालिसिस करते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि वीडियो आज ना अपलोड करूं, लेकिन फिर वो टाइप करने से अच्छा है सब कुछ, मैंने सोचा वीडियो ही अपलोड कर देती हूं, चार्ट एनालिसिस ही कर देते हैं, एक व्यू आपको मिल जाएगा कल के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो अभी मार्केट हैड डन वेल इन द लास्ट वन वीक एंड बाउंस बैक फ्रॉम द ओवरसोल्ड रीजन विच वॉज हैविली इम्पैक्ट last month by poor economic data. Today it is waiting for the next set of updated data to understand whether the worst for the economy so is over or if this slowdown will continue in the short term. The outlook on this upcoming data is weak, which is likely to be supported by more rate cut by RBI in the next month's policy. तो फिलहाल अभी निफ्टी ने जो है वो 11,000 का लेवल तो होल्ड नहीं रखा है, तो अभी निफ्टी में क्या होगा, तो जस्ट हम लोग एक लुक डालते हैं इस ऑप्शन डेटा में। तो अगर इस ऑप्शन डेटा से हम लोग देखते हैं तो आज अगर हम देखें एक्सपायरी, तो आज की एक्सपायरी आप देखिए क्या हुई, आपको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये आप तय कीजिए। मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत आपको आज मूवमेंट देगा, तो आज मार्केट ने वही किया। 11,080 का हाई मार्केट 10,960 का लो मार दिया था, लेकिन इस बीच में जो है वो ऑप्शंस के प्राइस इतने ज्यादा उछले नहीं, आप देख सकते हो इतना ही आपको आज ऑप्शंस में चेंज देखने को मिला है। ग्रीन में जो है पुट साइड में 27, 45, इतना ही आज ग्रीन में चेंज हुआ है ऑप्शंस के प्राइस में। तो आप सोच सकते हो कि अभी जो है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। अभी आज एक्सपायरी थी, तो आज एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी तो रहती है, लेकिन अगर हम लोग कल की बात करें तो कल अगर मार्केट एक रेंज में फंसा रहा और आप लोगों ने अगर ऑप्शंस बाय किए हैं तो आपका प्रीमियम तो घटने वाला है, वो तो आपका प्रीमियम जाने ही वाला है। यहाँ पे फायदा किसका होगा, जो ऑप्शंस राइट करके बैठे हैं उनका इसमें फायदा डेफिनेटली होगा इस कंसोलिडेशन फेज में। तो इसीलिए मैं हर बार ही कहती हूँ कि आप लोग जो है वो ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहिए, स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको फायदा होगा ही होगा।
फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी एकदम इनडिसिसिवनेस मोड में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। मैंने आपको कहा था 11,050 के ऊपर एक कैंडल बननी चाहिए, आज 11,080 तक भी गया था मार्केट, लेकिन क्लोजिंग वही नहीं मिले हमें और 11,000 के नीचे अभी क्लोजिंग मिली है। तो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा तो आज नहीं देखेंगे फिलहाल, एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके देखती हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, 982 की क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो मैं आज ऑप्शन डेटा आपको नहीं बता सकती। तो चलिए चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल मेरे सामने निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 10,982 के पास। सो आज निफ्टी ने जो 11,080 का हाई मारा था वो थोड़े देर के बाद ही सब जो गेन था वो सब निकल गया और निफ्टी ने 10,960 का लो बनाया, 11,000 का लेवल भी तोड़ दिया और उसके नीचे की हमें क्लोजिंग दी है और आज एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है जिसे हम लोग कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। कल दोजी कैंडल बनी थी, आज बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी है, तो यहाँ से जो है थोड़ा मार्केट में मुझे और डाउनसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग लेवल्स की बात करते हैं। तो फिलहाल अभी जो है 10,981 82 के पास क्लोजिंग आई है, तो इसका ये मतलब है जहां पे मैंने आपको सपोर्ट बताया था 10,980 के पास, तो आज उसके पास ही जो है निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दे दी है और एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, एक लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, ये सपोर्ट 10,980 का सपोर्ट, अगर नेक्स्ट सेशन में निफ्टी जो है वो इसके नीचे चला जाता है तो 900 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं। वही अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड के लिए अगर आप बोलोगे 200 के लेवल्स कब तक दिखेंगे, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था जब तक 11,050 के ऊपर कैंडल नहीं फॉर्म होती तब तक निफ्टी में कोई भी चांसेस नहीं है 11,200 तक के। आज हमने देखा 11,080 तक अच्छा खासा मार्केट स्टेबल हुआ था, लेकिन वहां से जो मार्केट गिरा है वो 960 के आसपास गिरा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, लेकिन अपसाइड के लिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी निफ्टी में क्या करना होगा, तो मैंने पहले भी आपको कहा है लॉन्ग के लिए फिलहाल कोई ना जाए, 11,050 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिलने के बाद ही आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो निफ्टी में। और जो लोगों ने भी पोजीशंस बनाए हुए हैं लॉन्ग में, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रिक स्टॉप लॉस 10,900 की तरफ ही रखिए। अगर 10,900 ब्रेक होता है किसी भी कंडीशन में तो मार्केट जो है फिर से डाउनसाइड के मोमेंट्स में जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जो मार्केट को लेके जाएगा 10,700 के लेवल तक भी। तो अभी आप लोग जिन्होंने भी पोजीशंस रखे हैं वो 10,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। तो अभी बात करते हैं लेवल्स की। तो यहाँ से नेक्स्ट सेशन के लिए लेवल रहेगा, पैनिक सेलिंग का लेवल रहेगा 950 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो 910 तक मार्केट जो है वो आराम से गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड के लिए देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस तो है 11,000 और 11,010 का लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो इनिशियली हम लोग यहाँ से 11,050 और 60 के टारगेट्स के लिए जाएंगे। अगर 11,000 के ऊपर मार्केट 30 से 40 मिनट तक रहता है तभी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल बनती है तभी जो है वो हम लोग 11,200 तक के लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अभी कल क्या होता है ये देखना इम्पोर्टेंट है। अगर कल भी मार्केट ने होल्ड नहीं किया, 900 तक गिरा मार्केट, तो यहाँ से एक बार चांसेस है निफ्टी के बाउंस बैक होने के, लेकिन अगर 900 टूट गया तो फिर निफ्टी को कोई भी नहीं बचा सकता नीचे गिरते हुए। तो अभी निफ्टी के लिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, 980 के पास क्लोजिंग
क्लोजिंग आई है 980 की तरफ ही सपोर्ट है इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 950 का, 10,950 का, और उसके बाद में 10,910 और 10,900 का लेवल। वही अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 11,000 का लेवल, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 11,050 का लेवल। तो ये जो सब लेवल्स है वो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कीजिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया था, बैंक निफ्टी का भी जो डेटा है वो रॉन्ग शो हो रहा है। एक्चुअल जो क्लोजिंग आई है वो आई है 27,818 के पास, लेकिन यहाँ पे 27,789 बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन डेटा हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, फिलहाल निफ्टी बैंक ने भी आज एक रेड बॉडी कैंडल फॉर्म की है और 27,818 के पास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे भी रॉन्ग क्लोजिंग शो हो रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा सब जगह पे क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अपना एनालिसिस आपको बताती हूँ, मेरा व्यू आपको बताती हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि 27,700 के ऊपर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि देखिए, अगर नेक्स्ट सेशन में, मतलब आज, 27,700 मार्केट होल्ड रखता है, निफ्टी बैंक होल्ड रखता है, तो हमें यहाँ से जो है वो डेफिनेटली 28,000 तक के लेवल्स जो है वो निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। बट 28,000 के पास एक हडल है निफ्टी बैंक के लिए, जहां से एक बार तो निफ्टी बैंक डेफिनेटली नीचे आते हुए हमें दिख सकता है। तो आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला, 27,800 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी और थ्रू आउट दिस सेशन मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए ही था। 28,050 का कुछ हाई किया था निफ्टी बैंक ने, और वहां से जो है वो एक सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिला, और निफ्टी बैंक ने 27,760 के आसपास कुछ लो किया था। लेकिन 27,700 का लेवल निफ्टी बैंक ने आज अच्छे से होल्ड रखा और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी। तो आज निफ्टी को बचाने वाला निफ्टी बैंक भी था, अदरवाइज निफ्टी जो है वो और ज्यादा नीचे गिरता हुआ हमें दिख सकता था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो देखिए 27,818 की क्लोजिंग आई है, तो इसका मतलब निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। तो अभी इसके आगे क्या हो सकता है, तो 27,818 की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 27,700 का लेवल। ये लेवल अगर टूटता है तो निफ्टी बैंक जो है वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चला जाएगा, जो कि है 27,530, और ये एक क्रूशियल लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर निफ्टी बैंक 27,000 तक भी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर है तब तक निफ्टी बैंक के अपसाइड के लिए 28,200 तक के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जब तक 27,530 के अबाव चल रहा है तब तक, लेकिन अगर 27,530 टूटता है तो फिर से 27,000 तक के लेवल्स हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी कल के लिए क्या करें, तो कल के लिए 27,700 का सपोर्ट लेके चलिए। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है, 27,800-700 के आसपास ट्रेड करता है, तो 28,000 तक के लेवल्स हमें फिर से जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वही अगर 27,700 टूटेगा, या फिर ये आज का लो, अगर ये आज का लो टूटेगा कल, तो फिर निफ्टी बैंक जो है वो 27,530 तक गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो सपोर्ट है इम्पोर्टेंट निफ्टी बैंक के लिए 27,530 का, और रेजिस्टेंस रहेगा 28,050 का लेवल। तो निफ्टी बैंक के लिए भी मैंने अपने लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो प्लीज मार्क कीजिए, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आज मैं बाहर जाने वाली थी लेकिन नहीं गई, मैं वेट कर रही थी कि डेटा जो है वो अपलोड हो जाए, राइट डेटा जो है वो अपलोड हो जाए एनएससी के साइट पे, लेकिन नहीं हुआ। तो मुझे जो है उसमें ही बनाना पड़ा, मुझे मेरा व्यू आपको ऐसे ही देना पड़ा। सो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन अगर
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और लाइक किए बिना मत जाना। यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता ही है। और ये अगर वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो आप सोशल साइट्स पे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उनके साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे मैंने लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद है, मेरा वर्क पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद है, तो आप डोनेशन भी कर सकते हो मेरे चैनल के लिए। डोनेशन की लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।